दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में डेवलप किए गए 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के बारे में। हरियाणा में 22 किलोमीटर लंबा गुरुग्राम सोहना नेशनल हाईवे, जिसे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर में डेवलप किया गया था, जिसे 11 जुलाई को ओपन कर दिया गया है। 2000 करोड़ रुपए के कॉस्ट से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में 7 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन शामिल है। लोकल ट्रैफिक मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कॉरिडोर के दोनों ओर 3 लेन सर्विस रोड्स प्रोवाइड की गई हैं। ये सेक्शन क्रूशियल है क्योंकि ये अपकमिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मदद से दिल्ली और गुरुग्राम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। मार्च 2018 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर इस स्ट्रेच को डेवलप करने के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया था। इस प्रोजेक्ट को लगभग 9 और 13 किलोमीटर के दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया था, जिसमें 4 माइनर ब्रिजेस, 1 फ्लाईओवर और 5 FOBs शामिल थे। गुरुग्राम सोहना नेशनल हाईवे एक्सपेंशन NCR दिल्ली को डीकंजेस्टिंग करने के लिए इम्प्लीमेंट की गई 9 अदर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इनमें धौलाकुआं से एयरपोर्ट तक 3 किलोमीटर का सिग्नल फ्री कॉरिडोर शामिल है। NH1 पर मुकरबा चौक से पानीपत तक 8 लेन दिल्ली पानीपत हाईवे, 29 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 2, 3 और 4 और कई प्रोजेक्ट शामिल है। आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।